एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 4 द फोर्थ क्वेश्चन नंबर 7 अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एट व्हाट हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन 6400 किलोमीटर। ओके, तो अपने पास पहले सैटेलाइट कहाँ पे अर्थ की सरफेस के ऊपर है और फिर अपन ने किसी पॉइंट के ऊपर लेके गए स्पेस में लेके गए, जैसे मान लो ये आपका स्पेस ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो पहले ए सरफेस के ऊपर था और बी कहाँ है स्पेस के अंदर है, तो स्पेस पे जाते ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बी वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा किसका सरफेस का यानी ए का, राइट। ओके, तो पहले फोर्स कितना था ए के ऊपर, ए के ऊपर फोर्स था जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना था रेडियस। ओके, फिर फोर्स बी पे कितना आएगा सेम जी एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, मान लो यहाँ का सेपरेशन अपन बोल देते हैं कि ये सेपरेशन आपका एच है हाइट एच है, तो ये आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं इन दोनों की, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो देखो जी एम एम ये कैंसिल आउट, तो क्या आया आंसर अपने पास 2R स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट करते हैं तो रूट 2R इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो h की वैल्यू निकालते हैं तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी R कॉमन ले लेते हैं रूट 2 माइनस 1 यानी आ गया R रूट 2 कितना 1.414 माइनस 1 यानी R इंटू 0.414। ओके, R कितना है 6400 किलोमीटर 0.414, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 2649.6 किलोमीटर, अप्रोक्स कर देते हैं तो अपने पास 2650 किलोमीटर आ जाएगा, कितना हाइट पे यानी 2650 हाइट पे अपन जाएंगे किलोमीटर पे, तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाफ हो जाएगा सरफेस से।